आरसीआई स्कूल बानपुर के प्रांगण में आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे यहाँ के पुलिस उपाधीक्षक श्री मृत्युंजय मिश्रा जी, स्कूल के संस्थापक श्री दिसंबर तैयार जी, विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों के संचालक महोदय, विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों के संचालक महोदय, पत्रकार बंधु, आरसीआई स्कूल के संचालक युवा एवं ऊर्जावान श्री विजय यादव जी, आरसीआई स्कूल के स्टाफ आज सम्मानित हो रहे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, उनके अभिभावक, ये सम्मान समारोह इस उद्देश्य से बनाया गया है कि हमारे तहसील बानसूर की छुपी हुई प्रतिभाएं उनको एक मंच मिले और उस मंच के माध्यम से जो और बच्चे हैं जिनमें प्रतिभाएं छुपी हुई हैं वो उनके माध्यम से उजागर हो, वो प्रेरित हो, इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज लगभग 250-300 बच्चों को सम्मानित किया गया। माफी चाहूंगा बीच में मैं सुनील जी वर्मा हमारे नवागुण तक का IPS हैं, उनको संबोधित करने से रह गया। तो अब आप देख लीजिए, थोड़ा छोटा सा उदाहरण है आपके सामने ये सुनील वर्मा जी का कि गांव हमीरपुर जो सबसे पिछड़ा हुआ गांव में एक माना जाता है आपके बानसूर तहसील का, उस हमीरपुर गांव के रहने वाले सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करी और उसके बाद में कांस्टेबल के पद पर चयन हुआ और आज भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में शुमार, भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। तो ये आप लोगों के लिए अपने आप ही एक जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष है कि एक छोटे से पिछड़े हुए गांव का बच्चा कांस्टेबल से जब IPS बन सकता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ जो बच्चे बैठे हैं और उनके पेरेंट्स, अभिभावक, माँ बाप बैठे हैं, तो वो समझ लें और ये जान लें कि हमारा बच्चा भी IAS, IPS, RS, RPS अन्य जो सेवाएं सब में जा सकता है। प्रतिभाओं की इस बानसूर तहसील में कमी नहीं है। बानसूर तहसील को एक मंच चाहिए इस तरह का कि उनको पहचान मिले और प्रतिभाओं को, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। इसी कड़ी में ये RCI स्कूल जो अब पूरा एक छोटा सा पेड़ था, छोटा सा पौधा था, जब 2012-13 में यहाँ पर उप जिला कलेक्टर था तब मेरे को किराए के भवन में संचालित था और आज ये देख लीजिए कि बड़ा बरगद का पेड़ बढ़ गया, इसकी कई शाखाएं खुल गई। तो ऐसे जब ये एक छोटा सा पौधा एक बड़ा बरगद बन सकता है, एक छोटे से ये बच्चे जो बैठे हुए हैं वो मेरे समान भी बन सकते हैं, हमारे यहाँ डिप्टी साहब बैठे हैं, SP साहब बैठे हैं, उनके समान भी बन सकते हैं। तो वहां से लेकर यहाँ आने में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए, अपनी प्रतिभा को पहचानने का मौका चाहिए कि आप में क्या टैलेंट है, क्या अच्छी चीज है, आप में क्या स्पेशलिटी है, कि आप किस चीज में अच्छे हो। कोई जरूरी नहीं आपको पढ़ाई करें, आपका मन नहीं हो, आपका मन डांस करने हो, जैसे यहाँ एक बच्ची अभी डांस कर रही थी, उसका रुझान अगर डांस में है तो वो डांस की प्रैक्टिस करे तो वो अच्छी डांसर बन सकती है, वो भी आगे जा सकती है। ऐसे कोई खेल कूद में है, कोई सेना में जाना चाहता है, तो ये नहीं सोचे कि भाई पढ़ाई करनी है हमें, जिसका पढ़ाई का मूड नहीं हो वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी रुचि से कोई खेल को अपनाए, कोई स्विमिंग को अपनाए, कोई इंजीनियर बनना चाहता हो तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। तो हर बच्चे में कुछ न कुछ एक अलग टैलेंट होता है, उसमें हर बच्चे में कुछ न कुछ स्पेशल एबिलिटी होती है और उसको पहचानने का काम सर्वप्रथम माँ बाप करते हैं, उसके बाद उनके शिक्षक, उनके स्कूल, उनके महाविद्यालय करते हैं। तो आप सब बच्चे जो यहाँ पधारे हैं उनको
मुझे लगता है कि उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि इतने सारे बच्चों को सम्मानित होते हुए देखा, यहाँ पर 95% बोर्ड की परीक्षा में लाया हुआ बच्चा भी था, तो 100 से 95 के बीच मात्र 5% बची हैं, तो 100 से 100% बच्चा भी बानपुर का ला सकता है, मुझे ऐसा विश्वास है। यहाँ की शिक्षण संस्थाओं में इतना दम है कि वो यहाँ पर मेरिट में बच्चे आ सकते हैं। और ये तो एक तरीके से बानसूर तो राजस्थान का कोटा है, जैसे राजस्थान का कोटा है वैसे अलवर बानसूर है जो अलवर का कोटा है, कोटा जिला है। यहाँ पर आपको हर प्रशिक्षण मिल जाएगा, हर क्षेत्र में कोई ना कोई अकेडमी आपको प्रशिक्षित कर सकती है। तो यहाँ तो बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए बहुत सारे शिक्षण केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र है। तो माता पिता से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे का टैलेंट पहचाने, नहीं यही नहीं करते हैं कि उसको कॉल से रहे बेटा पढ़ाई लेके बैठा रहते, मन ही नहीं करता हो, अगले का गाना सुनने में मन कर रहा है, गाना गाने में मन कर रहा है, किसी का नाचने में मन करता है, लेकिन आपने कहते नहीं बेटा तू पढ़ते रहे किताबों में तेरा भविष्य। भविष्य हर क्षेत्र में अगर वो लगन से किया जाए, आत्मविश्वास से किया जाए और लगातार किया जाए, सबसे बड़ा जरूरी इसमें है धीरज रखना कि आप एक बार असफल हो गए और घर पे बैठ गए। ये कांस्टेबल बन गए थे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए थे सुनील जी, ये संतुष्ट हो जाते कि यार मेरे में तो दम नहीं है, कांस्टेबल बन गया, सरकारी नौकरी मिल गई, डंडा बजाऊंगा आराम से, बढ़िया नौकरी करूंगा, क्या दिक्कत थी। लेकिन आगे बढ़ने की ललक, ये जीवन एक ही बार मिलता है और इस जीवन को आप एक ही बार जीते हैं, बार बार नहीं जीते। अगर आपने इस जीवन में एक बार कुछ बनने का ठान लिया तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि आपको रोक सके। एक अंधे बच्चे का आपने देखा था कि इसकी आंखें खराब हो गई, वो बच्चा परीक्षा दे रहा है, नौकरी भी दी है। तो आपको हम सबको, हम भगवान ने हम सबको सारी शक्तियां दी है, हमारी सारी ताकत दी है, कोई विकलांग नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ करने में सक्षम। जब विकलांग बच्चा, दिव्यांग बच्चा उस स्टेज तक पहुंच सकता है तो हम में से सब लोग जो पाना चाहते हैं उसको पा सकते हैं। और खासतौर से माता पिता को, जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, उनका ध्यान, उनको ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे में कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। इसलिए मेरे आप सभी अभिभावक जो यहाँ उपस्थित हैं, जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि हम लोग तो उस जमाने के हैं कि जब हम लोगों को तो वो चिमनी होती थी, एक वो काली सी कीप होती थी, आप बच्चे पुराने बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, वो काली सी लोहे की कीप होती थी, उसमें से वो सूतली सी निकाल के उसको जला के रोशनी करते थे, लालटेन हुआ करता था। जब खत्म हो जाता तेल केरोसिन का, केरोसिन तो बच्चे जानते ही होंगे अभी, केरोसिन का तेल खत्म हो जाता था, अब हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती थी। आज आपके बच्चों को उनके पेरेंट्स इतनी ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं, तो बच्चों को चाहिए कि हमारे माँ बाप की मेहनत को, उनके दुख दर्द को, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को सबसे अच्छा देना चाह रहा है, माँ बाप खुद भूखे रहकर, माँ बाप खुद तकलीफ पाकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को उनके माँ बाप की मेहनत का ध्यान रखना चाहिए और माँ बाप की मेहनत जो लगी हुई है उसके अनुसार उनको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आप सब लोगों में वो कैलिबर है, चाहे तो आप हिमालय पे पहुंच सकते हैं, चाहे तो आप आईपीएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, अंतरिक्ष में यात्रा भी कर सकते हैं, तो सब कुछ दुनिया में संभव है, करना आपको है, आपको ठानना है कि आपको क्या बना। गर्मी का समय है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। विजय जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मेरी पुरानी यादें ताजा करी, उसके लिए मैं विजय जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।